होगी, ऐसा तो नहीं है। पहुंच गए हम धोलीपाल गांव के अंदर। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? स्वागत करता हूँ आपका प्रियंका वो भी व्लॉग में। तो आज के व्लॉग का स्टार्टिंग कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आज मैंने जाना है बाद में, इसलिए मैं हर्षिल से बच्चों से पहले उठाऊँ। अभी मैं नहाऊँगा, रेडी होऊँगा, फिर जाएंगे बाद में, और फिर वहाँ का आपको दिखाते हैं हमारे बागड़ी समाज में कैसे होते हैं बाग का प्रोग्राम, वो भी आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। तो हेलो एवरीवन, मैं मिल रही हूँ आपसे काफ़ी देर के बाद, क्योंकि सुबह सुबह बच्चों का रहता है उनको रेडी करना, स्कूल भेजना, तो करके आज सुबह की वीडियो मैं स्टार्ट नहीं कर पाई थी। वो राहुल जी ने स्टार्ट किया था और बच्चे चले गए हैं स्कूल, अभी हर्ष को छोड़ने के लिए गए हैं राहुल जी, फिर आएंगे और आज वो जाएंगे बाद में। तो ठीक है, मैंने सोचा चलो मैं आपका वेलकम कर देती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब, आपका स्वागत करती हूँ मैं अपने YouTube चैनल पे प्रियंका बोबिया व्लॉग्स में। तो आपको पता ही है वो दोनों बच्चे गए स्कूल और राहुल जी आ जाएंगे बाद में, आपको बता ही दिया। तो मैं नहा के हो गई हूँ रेडी, रेडी तो नहीं मतलब ऐसे नहा ली हूँ, उनके जाने के बाद ही नहा लेती हूँ मैं। और ठीक है, अगर दिन में कुछ शूट हो पाया तो करूँगी, नहीं तो फिर मिलेंगे आपसे शाम के टाइम में ही। तो गाइस अभी हम चले हैं श्री गंगानगर से, मैं और शिखर रूपनगर से कर है बात, उस बात में जाएंगे। अभी हम यहाँ से चले हैं, हम जाके रुकेंगे मटिल्ली, उधर गांव से वो आ जाएंगे, फिर वहाँ से जाएंगे हम धोलीपाल बात में। बात का फंक्शन है, हमारे गांव की लड़की है, उसके बेटे की शादी है, तो हम वहाँ जाएंगे, वहाँ जाके बात का जो है फंक्शन वो अटेंड करेंगे और वो भी आपको दिखाएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, रास्ते का व्यू दिखाते हैं। ये गाड़ियाँ यहाँ से चलिए गाइस, ये देखो हम यहाँ पहुँच गए हैं और अभी जा रहे हैं उनके घर पे, अभी हम वहाँ पहुँचते हैं, पहुँच के आपको दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं वहाँ चल के। पहुँच गए हम धोलीपाल गाँव के अंदर। तो गाइस ये देखो उधर जा रहे हैं सारे व्हीकल, इधर टर्न हो रहे हैं कुछ कुछ आ रहे हैं, हम सेंटर में हैं इनके बिल्कुल। तो अभी आपको दिखाते हैं शादी वालों का घर, उनके घर पहुंच जाते हैं, फिर दिखाएंगे आपको भात की रस्म जो भी होती है हमारे बागड़ी समाज में, बागड़ी कल्चर में। ये देखो तो हमारे बात में भी इतने लोग आते हैं जितने लोग बारात में जाते होते हैं। देखो पीछे भी काफ़ी गाड़ियां आ रही है बीच में, अभी पहुंचने वाली हैं। देखो इधर टेंट टूंट का सामान तो मैं दिख गया, तो पहुंचते हैं अभी वहां, पहुंच के आपको मिलते हैं आपसे। ये देखो भाई जो तो जा रही है गाड़ियां, हम एक साइड में रुक गए थे क्योंकि हमने अभी वापिस गंगानगर जाना है, तो हमने इधर गाड़ी रोक ली हमारी। देखो गाड़ियाँ उधर जाए जा रही है, सारे बात भी है। तो अभी आप और देखते रहो, अभी शादी वाला घर पास में ही है बिल्कुल, हम इसलिए रुक गए भी, हमने अभी जाना है, ये शायद लगभग है जो रात रुक के जाएंगे, लेट तक जाएंगे, हम रुकने वाले नहीं है।
एक भाई भी हमारी तरह इधर ही खड़ी करने आ गया, ऑफिस ले जा रहा है। अभी ये बात भी स्वागत में तो गाइज हम आ गए हम टेंट में, तिलक वगैरह लगवा के। तो सभी बातियों के लिए यहाँ पे था खाने का प्रबंध। तो अभी हम पहुँच गए यहाँ पे खाना खाने के लिए, और खाने का इन्होंने बहुत बढ़िया फंक्शन किया हुआ है। यहाँ पे थी मेरी भांजी की शादी, तो हमने पहले तो तिलक वगैरह करवाया। तो सबसे पहले हमें दूध दिया केसर वाला, उसके बाद में तिलक किया, फिर हमें आ गए यहाँ पे खाने के लिए। तो गाइज मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी आप किसी की शादी में भी जाओ तो कभी भी किसी के भी खाने को बुरा मत कहो, क्योंकि कई लोगों के हैबिट होती है वो खाने को बुरा बोलते हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कहो, क्योंकि एक बाप इस शादी में इस दावत को देने के लिए अपना बहुत कुछ यहाँ पे लगाता है। और तो हम कर रहे हैं खाना एंजॉय, आप भी आइए हमारे साथ और कीजिए खाने का एंजॉय। तो गाइज अभी ये देखो शेखर भाई भी मेरे साथ है, और ये तो इसने तो देखो ये देखो खाने पे पूरा ध्यान लगाता है। तो गाइस अभी हम चल पड़े हैं खाना वगैरह खा के बाद टिक्के, तो अभी हम यहाँ से निकल गए हैं। अभी हम जा रहे हैं श्री गंगानगर घर पे, अंधेरा होने वाला है, तो बाकी वहाँ जाके आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। तो जी रात हो चुकी है और राहुल जी आ गए हैं, आके उन्होंने कर लिए अपने कपड़े वगैरह चेंज, और बच्चे सो गए हैं क्योंकि लेट हो गए थे ये, क्योंकि आज ठंड भी थी, हवा चल रही थी रात को काफ़ी ज़्यादा, ट्यूशन से लेट ही आए थे। उसके बाद इनको खाना पीना करवाया और फिर मैंने सुला दिया, ये आए हैं अभी। हेलो गाइस कैसे हो, अभी मिला ही था आपसे थोड़ी देर पहले मैं, तो अभी आ गया हूँ घर पे, खाना मैंने खाया नहीं,
तो ये भात में गए हुए थे, मैंने आपको बताया ही था एक भात था आज। मैं वहां से फुल होके आया था, खाना खाया नहीं, मैंने भी नहीं खाया, शेखर भाई भी नहीं खाया। शेखर भाई कहता है मैं घर पे जाके आज बोलूंगा मैं रोटी नहीं खाता, हमको भाई ये गलती मत करना, कल क्या करेगा। तो देख लो ये बात है इनकी, तो वही खाना वगैरह वहीं से, क्यों लेट ही उनकी वो प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, फिर इन्होंने लेट ही खाना खाया, फिर कहते मैं तो नहीं खाऊंगा, और 7 बजे तो खाना खाया था, कपड़े वगैरह चेंज करके। और मैं इनसे पूछ ही रही थी कैसा रहा प्रोग्राम, और तो ये सब कुछ बता रहे थे। तो चलो ठीक है गाइज, आज था ये व्लॉग, तो बताना कॉमेंट करके कि आपको कैसा लगा, और करते हैं आज के वीडियो को यहीं पे एंड। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और मेरे वीडियो देखते रहिए। तो ठीक है जी, गुड नाइट, नमस्ते, राम राम, बाय बाय, गुड नाइट, राम राम, शुभ रात्रि बच्चे के, सो आज की तरफ से भी मेरी, मैं दे देता हूँ आपको बाय बाय। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।